इस दिशा में इस मार्ग पर चलने से हम कल सूर्योदय के मुहूर्त से पूर्व लौट पाएंगे। जिस मार्ग से हम आए थे उससे कहीं छोटा और सुगम मार्ग है ये। हमारे लौटने का समय हो गया है, अब एक क्षण का विलंब किए बिना हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए। अनंत अंधकार और इस गुफा के अनेकों द्वार, क्या करे हनुमान। पाताल के इस अंधकार में हनुमान को कुछ नहीं सूझ रहा है। किस दिशा में जाऊं, कहां ढूंढूं दिव्य कल्प वृक्ष को। यदि विलंब हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। दिव्य कल्प वृक्ष तो सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, मैं भी उनसे प्रार्थना करता हूँ। हे दिव्य कल्प वृक्ष, मुझे ज्ञात है आप यहीं कहीं पाताल लोक में ही हैं। मैं आपकी रक्षा कर आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। पाताल में आपको कहाँ ढूंढूं, उसका संकेत दीजिए मुझे। हनुमान की मात्र ये इच्छा पूर्ण कर उस पे कृपा कीजिए। तुम्हारी चिता का प्रबंध कर दिया है उपाक्ष ने कल्प वृक्ष। पाताल राज उपाक्ष एक अवसर और देता है तुम्हें, मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो, अन्यथा मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। अच्छा है, प्रतीत होता है मुझसे भयभीत होकर तुमने अपना हठ त्याग दिया है कल्प वृक्ष। क्या हो रहा है, ये तो पत्र तुमसे टूटकर गिर रहा है कल्प वृक्ष। तेज भी समाप्त हो गया तुम्हारे इस पत्र का, गिरकर निस्तेज हो गया है ये। भूत वृक्ष, पाताल राज उपाक्ष के साथ इस छल का दंड अवश्य मिलेगा तुझे, नष्ट कर देगा उपाक्ष तुझे। हे कल्प वृक्ष, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। दिव्य प्रकाश पुंज, अवश्य ही ये किसी दिव्य शक्ति से उत्पन्न हुआ है। इसकी आभा बढ़ रही है, और ये क्या, इसके मध्य तो दिव्य कल्प वृक्ष की छवि दिखाई दे रही है। प्रतीत होता है दिव्य कल्प वृक्ष ने मेरी पुकार सुन ली है और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए इस दिव्य प्रकाश पुंज को भेज दिया। हमें सूर्योदय के पूर्व पहुंचना है और अधिक तीव्र गति से चलना होगा।
बादशाह को सुनकर निस्तेज हो और कुमला गए तुम, तो अब झुलसो मेरी अग्नि से। यहाँ इसी क्षण पाताल में ही तुम्हारा अंत होगा कल्पवृक्ष। क्षण भर में ही तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। नष्ट हो जाओगे तुम कल्पवृक्ष, नष्ट हो जाओगे। तो तुम ही हो वो मरकट वानर बालक हनुमान। तुमने मेरे द्वारा जलाई हुई अग्नि को बुझाने का दुस्साहस किया। हाँ, और तुमने इस दिव्य कल्पवृक्ष को चुरा कर लेके आने का दुस्साहस किया। हाँ, मैं ही लाया हूँ इसे यहाँ, इसीलिए अब ये मेरा है। इसे यहाँ से लेके जाने के प्रयत्न को विफल कर दूंगा मैं। ये यही रहेगा क्योंकि मैंने लंकेश रावण और महाराज वाली को वचन दिया है। क्या वाली भैया भी षड्यंत्र में भागीदार है? हाँ, परंतु तुम्हारे नेत्रों में धूल झोंक कर अपने छल से इसे यहाँ लाने की सामर्थ्य मेरी ही थी। ये दिव्य कल्पवृक्ष का स्थान नहीं है, मुझे इन्हें यहाँ से ले जाने दीजिए, अन्यथा मुझे इन्हें ले जाने के लिए बल प्रयोग कर इन्हें इनके स्थान पर स्थापित करने के लिए बाध्य होना होगा। विपक्ष तुम्हें यहाँ से कल्पवृक्ष नहीं ले जाने देगा वानर बालक। अब तुम्हें उपाक्ष की शक्ति का आभास हो जाएगा वानर बालक। शक्ति और युक्ति दोनों लगा सकता है। वास्तविक रूप जिसके बारे में गुरुदेव बता रहे थे।
मार्ग में से हटकर तुम कुछ नहीं कर सकते हनुमान। इस कल वृक्ष को तुम मुझसे नहीं बचा सकते हनुमान। तुम्हारे देखते देखते मैं इस कल वृक्ष को अग्नि से भस्म कर दूंगा हनुमान, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे हनुमान। हे प्रभु नारायण जी, माता लक्ष्मी जी, हनुमान आपसे प्रार्थना करता है। क्या इसने भी वराह रूप ले लिया? इसका अर्थ ये मेरी मृत्यु का रहस्य जान गया है, किंतु मैं इससे पूर्व इस वानर बालक का वध कर दूंगा।
दिशा से सूर्य की लालिमा ये संकेत दे रही है कि सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय किसी भी क्षण हो सकता है और उत्तर दिशा से ऋषि दुर्वासा कभी भी आ सकते हैं। मुझे तो हनुमान और कल्पवृक्ष की चिंता हो रही है। जगत कल्याण और परहित के लिए पूर्ण समर्पण और सच्ची लगन से जो कार्य करते हैं उनके मार्ग में बाधाएं तो आती ही हैं, किंतु उन्हें विजय अवश्य प्राप्त होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान अपने माता पिता के वचन का अवश्य मान रखेगा और ऋषि दुर्वासा के आने से पूर्व कल्प वृक्ष को उसके स्थान पर ले आएगा। महाराज महाराज वो देखिए युवराज हनुमान। कल्पवृक्ष, हे कल्पवृक्ष, विपत्ति के क्षण टल गए, हमें आपके दिव्य दर्शन पुनः प्राप्त हो गए, हम कीर्तार्थ हुए। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मुझे ज्ञात था तुम समय से पूर्व यहाँ वापस लौट आओगे। हनुमान मेरे लाल, तुमने मेरी चिंता दूर कर दी पुत्र। पिताश्री माताश्री, इस कार्य को पूर्ण करने का श्रेय तो मुझे आप दोनों को ही देना चाहिए। आप दोनों ने ही मुझे शक्ति दी, मेरा विश्वास जागृत कर मुझे सफलता के लिए प्रेरित किया। आप दोनों के कारण ही मैं सफल हुआ हूँ। तुमने हमारी लाज रखी पुत्र। मुझे विश्वास था पुत्र, अपने कर्तव्य निष्ठा और साहस से इस संकट पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र।